ठीक इनकी गंगा जैसी। क्या कहा? मैं कैसे हूँ तुम्हारे गंगा को मरा हुआ कहने की? गंगा नहीं मर सकती है, गंगा नहीं मर सकती है, और इस बात का सबूत मैं खुद हूँ। अगर गंगा मर जाती ना तो सागर की सांसें भी रुक जाती, और मेरे जिंदा होने का मतलब यही है कि गंगा भी जिंदा है, समझे तुम? समझे? अरे गंगा को मरा हुआ नहीं बोला, समझे तुम? सागर जी, अरे होश में आई है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं छोड़ के गई उस जिंदा, जिंदा, लेकिन लेकिन आप होश में आई है। जब तक हम लाश को देखते नहीं, उसे पहचानते नहीं, आंसू बहाने का, दुख बनाने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा घूम जाइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गंगा को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। हाँ गलत, देखिए जब तक हम उनका लाश देख नहीं लेते, उनको पहचान नहीं लेते, दुख बनाने का, आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। सागर जी बात समझिए हमारा, वो अभागा लड़की जो मिला है वो गंगा नहीं हो सकता। हाँ या ना का मोहर लगाने से पहले हमको लाश देखना होगा, पहचानना होगा, उसके लिए हमें जाकर लाश को देखना है। मुनीम जी आप लेकर चलिए, कहाँ मिला आपको लाश, चलिए आइए, जल्दी आइए, चलिए। फिलहाल मैं तो गंगा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ टिपिकल डेली सोप की सास जो होती है, जो चाहती है वही चाहती हूँ कि मेरा जो सगा बेटा है उसको प्रॉपर्टी मिले, उसको मठाधीश बन जाए, और इसी के लिए मेरा जो कंटिन्यूस फाइट है वो वही चल रहा है। किसी भी हाल में मुझे गंगा और शिव को मठाधीश की पदवी से मुझे हटाना है, और शिव और गंगा को घर से बाहर निकाल देना है, देखना भी नहीं चाहती। कितनी साजिश की है आपने अभी तक? बहुत सारी, काउंटलेस। कामयाब हो जाऊंगी तो सीरियल खत्म हो जाएगा, अभी मैं कामयाब नहीं होना चाहती। तो और क्या क्या चल रहा है सीन में? बहुत कुछ, क्योंकि ड्रामा बहुत है, हर बार कुछ ना कुछ नया ड्रामा। अब गंगा की लाइफ में उसका पहला पति सागर, वो भी आ रहा है, तो वो कल्मिनेशन कैसे होगा उस ट्रैक का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई एम श्योर ऑडियंस उसी के लिए देख रही होगी कि वो कल्मिनेशन कैसा होगा। आपको मिल गई, हमारा मतलब है आपकी पत्नी की फोटो मिल गई।